नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आज की ये वीडियो अगर आप मिस करते हैं तो आप बहुत सारी जानकारी मिस कर देंगे। आपका ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम आजादी के 75 वर्ष पूरे होने की खुशियां मना रहे हैं, परंतु इस आजादी को पाने के लिए ना जाने कितने हजारों क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। देश के कोने कोने से आजादी की हुनकार उठी थी, न जाने कितनी शहादतों के बाद हमें ये आजादी मिली थी। कुछ आजादी के मतवालों की कहानियां तो हम मुंह जबानी जानते हैं, वहीं कुछ इतिहास की किताबों में कहीं गुम हो गए हैं। ये कड़वी सच्चाई है कि ऐसे बहुत से क्रांतिकारी हैं जिनका हम नाम तक नहीं जानते और वो सरकार की रिकॉर्ड बुक में स्याही के कुछ बूंदे ही बनकर रह गए हैं। उन्हीं गुमनाम हीरो में राजेंद्र नाथ लाहिड़ी भी शामिल हैं। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक थे। वे भारत के अमर शहीद प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक थे। आजादी के आंदोलन को गति देने के लिए धन की तत्काल व्यवस्था की जरूरत के मद्देनजर शाहजहांपुर में हुई बैठक के दौरान रामप्रसाद बिस्मिल ने अंग्रेजों का खजाना लूटने की योजना बनाई थी। योजनानुसार दल के प्रमुख सदस्य राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के काकोरी रेलवे स्टेशन से छूटी 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को चेन खींचकर रोका और क्रांतिकारी बिस्मिल के नेतृत्व में अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद व 6 अन्य सहयोगियों की मदद से सरकारी खजाना लूट लिया गया। अंग्रेज सरकार ने मुकदमा चलाकर राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां आदि को फांसी की सजा सुनाई। जन्म तथा शिक्षा। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का जन्म बंगाल के पाबना जिले के भरगा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम क्षिति मोहन शर्मा और माता बसंत कुमारी था। बाद के समय में इनका परिवार 1909 में बंगाल से वाराणसी चला आया था, अतः राजेंद्र नाथ की शिक्षा दीक्षा वाराणसी से ही हुई। राजेंद्र नाथ के जन्म के समय पिता क्षिति मोहन लाहिड़ी व बड़े भाई बंगाल में चल रही अनुशीलन दल की गुप्त गतिविधियों में योगदान देने के आरोप में कारावास की सलाखों के पीछे कैद थे। काकोरी कांड के दौरान लाहिड़ी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इतिहास विषय में प्रथम वर्ष के छात्र थे। क्रांतिकारियों से संपर्क। जिस समय राजेंद्र नाथ लाहिड़ी में पढ़ रहे थे, तभी उनका संपर्क क्रांतिकारी शचीन्द्र नाथ सान्याल से हुआ। सान्याल बंगाल के क्रांतिकारी युगांतर दल से संबद्ध थे। वहाँ एक दूसरे दल अनुशीलन में वे काम करने लगे। राजेंद्र नाथ इस संघ क्षेत्रीय समिति के सदस्य थे। अन्य सदस्यों में रामप्रसाद बिस्मिल भी सम्मिलित थे। काकोरी ट्रेन कांड में जिन क्रांतिकारियों ने प्रत्यक्ष भाग लिया, उनमें राजेंद्र नाथ भी थे। बाद में वे बम बनाने की शिक्षा प्राप्त करने और बंगाल के क्रांतिकारी दलों से संपर्क बनाने के उद्देश्य से कोलकाता गए। वहां दक्षिणेश्वर बम फैक्ट्री कांड में पकड़े गए और इस मामले में 10 वर्ष की सजा हुई। काकोरी कांड। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी बलिदानी जत्थों की गुप्त बैठकों में बुलाए जाने लगे थे। क्रांतिकारियों द्वारा चलाए जा रहे आजादी के आंदोलन को गति देने के लिए धन की तत्काल व्यवस्था की जरूरत के मद्देनजर शाहजहांपुर में एक गुप्त बैठक हुई। बैठक के दौरान रामप्रसाद बिस्मिल ने अंग्रेजी सरकार का खजाना लूटने की योजना बनाई। इस योजनानुसार दल के ही प्रमुख सदस्य राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के काकोरी रेलवे स्टेशन से छूटी 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को चेन खींचकर रोका और क्रांतिकारी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद व 6 अन्य सहयोगियों की मदद से समूची ट्रेन पर धावा बोलते हुए सरकारी खजाना लूट लिया गया। सजा। बाद में अंग्रेजी हुकूमत ने उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के कुल 40 क्रांतिकारियों पर सम्राट के विरुद्ध सशस्त्र युद्ध छेड़ने, सरकारी खजाना लूटने व मुसाफिरों की हत्या करने का मुकदमा चलाया, जिसमें राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां तथा ठाकुर रोशन सिंह को मृत्यु दंड फांसी की सजा सुनाई गई। इस मुकदमे में 16 अन्य क्रांतिकारियों को कम से कम 4 वर्ष की सजा से लेकर अधिकतम काला पानी आजीवन कारावास तक का दंड दिया गया था। काकोरी कांड में लखनऊ की विशेष अदालत ने 6 अप्रैल 1927 को जलियांवाला बाग दिवस पर रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, रोशन सिंह तथा अशफाक उल्ला खां को एक साथ फांसी देने का निर्णय लेते हुए सजा सुनाई। सूबेदार से झड़प। काकोरी कांड की विशेष अदालत आज के मुख्य डाकघर में लगाई गई थी। काकोरी कांड में संलिप्तता साबित होने पर लाहिड़ी को कलकत्ता, वर्तमान कोलकाता से लखनऊ लाया गया। बेड़ियों में ही सारे अभियोगी आते जाते थे। आते जाते सभी मिलकर गीत गाते,
एक दिन अदालत से निकलते समय सभी क्रांतिकारी सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है गाने लगे। सूबेदार बरबंड सिंह ने इन्हें चुप रहने को कहा, लेकिन क्रांतिकारी सामूहिक गीत गाते रहे। तीन बरबंड सिंह ने सबसे आगे चल रहे राजेंद्रनाथ लाहिड़ी का गला पकड़ लिया। लाहिड़ी के एक भरपूर तमाचे और साथी क्रांतिकारियों की तन चुकी भुजाओं ने बरबंड सिंह के होश उड़ा दिए। जज को बाहर आना पड़ा। इसका अभियोग भी पुलिस ने चलाया, परंतु वापस लेना पड़ा। लाहिड़ी जेलर संवाद। राजेंद्रनाथ लाहिड़ी अध्ययन और व्यायाम में अपना सारा समय व्यतीत करते थे। 6 अप्रैल 1927 के फांसी के फैसले के बाद सभी को अलग कर दिया गया, परंतु लाहिड़ी ने अपनी दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं किया। जेलर ने पूछा कि प्रार्थना तो ठीक है, परंतु अंतिम समय इतनी भारी कसरत क्यों? राजेंद्रनाथ लाहिड़ी ने उत्तर दिया, व्यायाम मेरा नित्य का नियम है, मृत्यु के भय से मैं नियम क्यों छोड़ दूं? दूसरा और महत्वपूर्ण कारण है कि हम पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। व्यायाम इसलिए किया कि दूसरे जन्म में भी बलिष्ठ शरीर मिले जो ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ युद्ध में काम आ सके। शहादत। अंग्रेजी सरकार ने डर से राजेंद्रनाथ लाहिड़ी को गोंडा कारागार भेजकर अन्य क्रांतिकारियों से 2 दिन पूर्व 17 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी। शहीद राजेंद्रनाथ लाहिड़ी ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमने के पहले वंदे मातरम की जोरदार हुंकार भरकर जयघोष करते हुए कहा, मैं मर नहीं रहा हूं, बल्कि स्वतंत्र भारत में पुनर्जन्म लेने जा रहा हूं। क्रांतिकारी की इस जुनून भरी हुंकार को सुनकर अंग्रेज थिथक गए थे। उन्हें लग गया था कि इस धरती के सपूत उन्हें अब चैन से नहीं जीने देंगे। राजेंद्रनाथ लाहिड़ी भी भारत माँ के एक ऐसे ही लाल थे जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए असंख्य कष्ट सहे और यहाँ तक कि अपने प्राणों का बलिदान देश के लिए कर दिया। ऐसे वीर सपूत का नाम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इस तरह की वीडियो में लेकर आता रहूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी मिल सके। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, और हाँ, कमेंट करना ना भूलें, जो मुझे इस तरह की वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते हैं।